नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जादौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने, जहां कार्यकर्ताओं को हार से सबक लेते हुए और ज्यादा एनर्जी के साथ लोगों के बीच जाकर पार्टी का प्रचार करने की अपील की, वहीं पत्रकारों से बातचीत में भाजपा किसानों के प्रति दोहरी नीति अपनाने के आरोप भी जड़े। उन्होंने कहा कि एक तरफ खट्टर सरकार गिरते भूजल स्तर का हवाला देकर किसानों को धान की जगह मक्का बिजाई के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाई कर चुकी है। तैयारी तो यही सिलसिले में कहा कि इकट्ठे रहो, तैयारी करो, चुनाव सर पे है, जहाँ जहाँ वर्कर हमारे बूथ पर बैठे हैं अपना अपना बूथ संभालो और कोशिश करेंगे हाईकमांड से कि भी जल्दी उम्मीदवार उतारें। बीजेपी मिशन 75 का लेके चल रही है, अपनी क्या तैयारी? हमारा मिशन तो उनको धूल चिटाने का है कि अभी गलतफहमी दूर कर देंगे उनकी, चुनाव नहीं जी। दादूपुर नलवी नहर जी, वाटर लेवल प्रॉब्लम है स्टेट की जी, उसी के लिए आज खट्टर साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जीरी की जगह मक्की लगाओ, ठीक है, लेकिन एक तरफ आप उस सोर्स को बंद कर रहे हो जो रिचार्ज के लिए बनाया गया है। जादूपुर नलवी नहर कोई नहर नहीं है, ये 58 दिन का 58 डेज का एक प्रावधान है यमुना का सरप्लस पानी उठाने का, उसी के नाम पर हमें ये नहर बनाने की इजाज़त मिली थी। ये मुद्दा मेरा ही उठाया हुआ है 82 वाले हाउस में कि रिचार्ज करने के लिए डार्क जोन आज ही नोटिस में नहीं आया। डार्क जोन में यहाँ के 32 ब्लॉक बहुत पुराने हैं, जगाधरी से पेवा तक, तो उसको तो बंद कर रहे हैं और एक तरफ किसान को कह रहे हैं मक्की बीजो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डीनोटिफाइड कर दिया, उस नहर को बनाने की बात करें उसकी, वो मुद्दा हमेशा जीवित रहेगा, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। दूसरा, अगर यहाँ मक्की की बात करते हैं तो मक्की का रेट की और उसकी जो है उसके बेचने का मार्केट का जो है पहले तय करें क्या रेट होगा और वो जितनी मक्की किसान पैदा करेंगे वो उठेगी और उसके बाद उसको कैसे कंपनसेट करेंगे जो उसका लॉस होगा, उन बातों में क्लैरिटी होना चाहिए, तो फिर ये बातें वो किसान को कहेंगे जीरी छोड़ के मक्की बीज। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।